भारत भले ही 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था, लेकिन अभी तक हमारा कानून उन्हें गुलामी की बेड़ियों से बंधा हुआ था। भारत की आज़ादी की खुशी भी थी और इस बात का दुख भी था कि इतनी दशकों के बाद भी भारतीय न्यायालयों में ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून बरकरार थे, जो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से भारतीय नागरिकों को न्याय देने के लिए नहीं बल्कि सजा देने के लिए बनाए थे। अभी तक कहीं सरकार आई, कहीं प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय न्यायपालिके औपनिवेशिक से मुक्त करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए करीब 150 साल पुराने 3 कानून को खत्म कर भारत के लोकतंत्र के अधिकार के अनुसार गुलामी की मानसिकता वाले कानून की जगह भारत की सहूलियत के अनुसार करके यह 3 कानून देश को सौंप है। जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूर परिवर्तन लेकर मैं आया। भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इन तीनों कानूनों में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बदलाव हुए हैं। नए कानून में इंडियन पिनल कोड IPC 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया गया। यह तीनों कानून हमारे क्रिमिनल जस्टिस में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। पहले के कानून में मानव हत्या, स्त्री के साथ चार्ट जैसे जघन्य अपराधों को बहुत नीचे रखा गया था। वही राजद्रोह, खजाने की लूट और शासन के अधिकारियों पर हमले जैसे अपराधियों को इनसे ऊपर रख दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में इनको बदलकर कानून की किताब में सबसे पहला अध्याय महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रखा है, जिसके तहत पहली बार शादी, रोजगार, प्रमोशन जैसे झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। तो दूसरा अध्याय मानव हत्या, मानव शरीर के साथ होने वाले अपराधों को दिया गया है। पहले भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले यानी आतंकवाद की कोई वाक्य नहीं थी, इसीलिए आतंकवाद बढ़ रहा था। लेकिन अब स्त्री विद्रोह, विध्वंस गतिविधियां, अलगाववाद जैसे अपराधों की इस कानून में व्याख्या की गई है। संगठित अपराध, मानव तस्करी जैसे कृतियों को भी पहली बार नए कानून की व्याख्या दी गई है। मॉम ब्लीचिंग पर भी मोदी सरकार ने सताई की है। नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर की गई हत्या को इसमें शामिल किया गया है। नए कानून ने कानूनी प्रक्रिया को तेजी से निपटने के लिए भी तेजी से सुधार किए हैं, जिसके चलते अब तारीख पर तारीख नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब नए कानून के तहत बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर निर्णय देना, 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध करना और छोटे मामलों में समरी ट्रायल बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा अदालत में अत्याधुनिक तकनीकों को और डिजिटलीकरण को शामिल करने के प्रावधान की है, ताकि FIR से लेकर जजमेंट तक की सभी प्रक्रियाएं डिजिटल हो सके। इन सुधारों के साथ न्यायालय की कार्रवाई को अधिक पारदर्शी को त्वरित बनाया गया है। इसमें वीडियोग्राफी, फॉरेंसिक जांच और भगोड़े अपराधियों सजा, उनकी संभावना बढ़ाने प्रावधान भी शामिल है। यह नए कानून भारतीय न्याय प्रणाली के लोकतंत्र, तत्न्याय और मानवता की प्रतिष्ठा को मजबूत करेंगे।